हेलो, माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके साथ भिंडी आलू प्याज की सब्जी की रेसिपी दे रही हूँ। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और आप इसे पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाइए, इसका स्वाद लाजवाब होता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने भिंडी को धोकर अच्छे से पोंछ लिया है, जिससे इसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना रहे, नहीं तो ये चिपचिपी हो जाती है। और मैंने दो मीडियम साइज़ के आलूओं को भी कट कर लिया है और 4 से 5 प्याज लिए हैं, उसे लंबी स्लाइस में कट कर लिए हैं। यहाँ सरसों का तेल गरम करेंगे, उसमें 6-7 लहसुन की कलियों को कट करके डाल देंगे। जब लहसुन हल्का हो जाए तब इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं और फिर हम अपना आलू कटे हुए डाल देते हैं। आलूओं को हमें थोड़ी देर भूनना है, फिर प्याज डालकर आलूओं में एक जब तक कोटिंग आती है तब तक आलू प्याज को भूनना है। आलू प्याज जब हमारे अच्छे से भून जाएंगे तब हम इसमें रोज के मसाले डाल देते हैं। हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और मसालों को भूनते हैं। 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें कटी हुई भिंडी ऐड कर देंगे और एक बार मिक्स करके फिर इसे स्लो आंच में ढककर पकाएंगे। लगभग 5 से 6-7 मिनट बाद हम भिंडी को चेक करेंगे कि हमारी सब्जी पकी है कि नहीं, और इसमें 1 स्पून अमचूर पाउडर डाल देते हैं। और मिक्स करके अब हमें आज को हाई फ्लेम पर खुले में भिंडी को थोड़ी देर पकाना है। इससे ऐसा करने से भिंडी की सब्जी में बहुत अच्छा सोनापन आता है। अब बारीक कटी हुई धनिया डालकर हम इसे गार्निश करेंगे। एक प्लेट में निकाल कर मैं दिखाती हूँ कि सब्जी हमारी कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल भी बिना चिपचिपाहट, बिना और सब एकदम खिली खिली। एक बार आप इसे मेरे तरीके से ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।